यूपी के हाथरस में मंगलवार को हाहाकार मच गया। सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सभी भोले बाबा का प्रवचन सुनने सत्संग में आए थे। हाथरस की इस घटना ने सबको झकझोर दिया। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर पड़े हैं, रोते बिलखते परिजन हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगाने में जुट गई है। शवों की पहचान की जा रही है, मगर हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोअर्स को देखने तक नहीं आ रहा। वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। अब सूरजपाल और भोले बाबा की एक और करतूत सामने आई है। खुद उसके परिवार के सदस्य ने उसकी पोल खोली। सूरजपाल और भोले बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने मीडिया को बताया है कि बाबा उसके बच्चों के साथ मारपीट करता था। सूरजपाल के भाई की पत्नी ने कहा, भोले बाबा का मेरे परिवार से अब कोई मतलब नहीं है। बाबा ने एक बार मेरे बच्चों के साथ भी मारपीट की थी। मामला थाने में पहुंचा था। भोले बाबा के किसी सत्संग में हम कभी नहीं गए, ना ही उनसे हमारा कोई मतलब है। वो सगे भाई की मौत पर भी नहीं आए, परिवार के किसी भी सदस्य की मौत पर नहीं आए, तो हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ विश्व हरि के नाम से पश्चिमी यूपी में बेहद लोकप्रिय इस स्वयंभू बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है। ये यूपी पुलिस में कभी कांस्टेबल हुआ करते थे। सूरजपाल जाटव को 1996 में छेड़खानी के एक मामले में यूपी पुलिस ने निलंबित कर दिया था। छेड़खानी के इसी मामले में लंबे समय तक एटा जेल में उसने कैद भी काटी। हालांकि अदालत जाने पर सूरजपाल की नौकरी तो बहाल हो गई, लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS यानी ऐच्छिक रिटायरमेंट ले ली थी। इसके बाद सूरजपाल अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचा और वहां उसने दावा किया कि उसका डायरेक्ट ईश्वर से संवाद स्थापित हुआ है। इसके बाद सूरजपाल ने खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करना शुरू कर दिया। ईश्वर से संवाद स्थापित होने के दावे के बाद आगरा के शाहगंज में 2 कमरों के मकान से बाबा ने अपना प्रवचन शुरू किया। घर के सामने लगे हैंडपंप से बाबा लोगों के इलाज करने का दावा करता था। देखते ही देखते बाबा के भक्तों की संख्या हजार और फिर लाखों में पहुंच गई। हाथरस कांड के बाद बाबा फरार है। बाबा के तमाम आयोजक भी भागे भागे फिर रहे हैं। वही यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।